जहां एक तरफ पूरा देश कोविड-19 के जो वॉरियर्स हैं उनके लिए जो है थाली बजा रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, दीवे जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, उनकी शान के लिए, उनके प्रति ये दिखाने के लिए कि हम उन कितने हम वी आर प्राउड ऑफ देम हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने कल 20 अप्रैल 2020 में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने जो क्वारंटाइन के पर्पस से जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो हेल्थ सेंटर्स में हो, चाहे कोविड टेस्ट सेंटर्स में हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स में हो, ऐसे लोगों को एकोमोडेशन का एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको 4 या 5 स्टार होटल्स में एकोमोडेशन मिलेगी, जो नर्सिस हैं और पैरामेडिक्स हैं उनको होटल एकोमोडेशन मिलेगी, और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको धर्मशाला में एकोमोडेशन मिलेगी। तो ये जो ऑर्डर है दिल्ली सरकार ने जो निकाला है वो टोटली रबिश ऑर्डर है, डेरोगेटरी ऑर्डर है, डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है, और एक तरीके से ये दिखाता है कि किस मानसिकता से दिल्ली सरकार जो है वो काम कर रही है। क्या कोविड वॉरियर्स ए वॉरियर या बी वॉरियर, चाहे वो हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे हमारे जो टीचर्स आज जो है खाना बांटने में लगे हुए हैं, या सिविल डिफेंस के लोग हैं, या दूसरे एम्प्लॉइज हैं, क्या उन लोगों में कोई फर्क है जब उनको वो कोविड-19 से लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे किया हुआ है, उनके बच्चे जो है हर वक्त चिंतित हैं उनके बारे में, जब उनको क्वारंटाइन करने की बात आएगी तो क्या आप अलग अलग अकोमोडेशंस देंगे, क्या ये इस तरीके का जो है डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं। ये टोटली रबिश सोच है और रबिश ऑर्डर है। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को तुरंत इसको जो है वापस लेना चाहिए। थैंक यू।